नेक्स्ट देखिए, आपको बता दिए थे हम, बताए थे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बता रहे थे, यहाँ तक शायद आपको हम बता दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिए थे, कौन से क्या पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट में आइए, अब कहता है नेक्स्ट में ये बोलता है, नेक्स्ट में ये बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, गणना के आधार पे नाउन को, समस्त नाउन को कितने भाग में बांटा है, दो भाग में। बोला जिस नाउन को हम गिनेंगे उसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और जिस नाउन को हम नहीं गिन पाएंगे उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे में अगर हम बोलते हैं, बताइए जी, पेन, बुक, चेयर, टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर, वोटर, हाउस, पेन, विलेज, कंट्री, कंटिनेंट, कुछ भी होगा, इतना बात अगर बोलते हैं, बताइए इसको काउंटेबल बोलेंगे, तो बोलेंगे कि हाँ काउंटेबल है। क्योंकि क्यों बोलेंगे काउंटेबल है, तो बोलेंगे पेन का पेंस 5, पेन 6, पेन 10, 10 villages, 10 cities, 10 men, 10 women, सब जो है गिन रहे हैं। जब भी जिस जिस नाम को हम गिनते हैं सबके सब क्या कहलाता है, काउंटेबल कहलाता है, और जिस जिस नाम को हम नहीं गिनते हैं वो सबके सब क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल कहलाता है। जिस नाम को हम नहीं गिनेंगे वो सबके सब क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। जैसे में अगर बोले मिल्क, डीजल, पेट्रोल, राइस, ऑनेस्टी, गुडनेस, बैडनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, लव, हेट, ब्रेवरी, सबके सब अनकाउंटेबल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस नाउन को हम गिनेंगे वो सबके सब कौन सा नाउन कहलाएगा, तो वो सब के सब नाउन कहलाएगा काउंटेबल, और जिस जिस नाउन को हम नहीं गिनेंगे वो सब के सब नाउन कौन सा कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। बस ये याद रखना है। अब देखेंगे कौन सा पार्ट काउंटेबल कहलाता है, कौन सा अनकाउंटेबल, ठीक है। देखिएगा, कहता है काउंटेबल नाउन कि जिसे अलग अलग करके गिना जा सके। जैसे में देखिए, बॉय हो गया, पेन हो गया, कंट्री, विलेज, सिटी, हाउस, जितना शब्द है वो सब के सब क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि इसका जो है प्लुरल बन जाता है। जैसे बॉय का बॉयज गिन सकते हैं, पेन का पेन्स, कंट्री का कंट्रीज, विलेज का विलेजेज, सिटी का सिटीज, हाउस का हाउसेस, इसका मतलब सबके सब क्या है, काउंटेबल है। अब इतना याद रखना है, इसका रूल्स क्या होता है, ये किस तरह सेंटेंस में काम करते हैं वो देखना है। देखिएगा रूल्स में बताते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लुरल भी हो सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब सजीव भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। और थर्ड पॉइंट याद रखना है कि जितने काउंटेबल नाउन होते हैं सबके सब कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं। कहने का मतलब है कि जितना कॉमन नाउन है सबको सब किस में रखा गया है, काउंटेबल में रखा गया है। जिसे सेम सेम देखिए, कॉमन नाउन भी सिंगुलर भी हो सकता था, प्लुरल भी हो सकता था, काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता था, निर्जीव भी हो सकता था, उसी तरह काउंटेबल नाउन भी होता है, सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितने कॉमन नाउन है सबको सब किस में रखा गया है, काउंटेबल में रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसी का, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है। कहता है, सॉरी नीचे कहाँ चल गया, देखिए कहता है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट कहता है, जैसे में बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, कंट्री का कंट्रीज, ETC। नेक्स्ट देखिएगा, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। जैसे में आप देखिए सजीव निर्जीव कैसे होगा, अगर हम बोलते हैं द बॉय लिविंग है, द पेन नॉन लिविंग है, द टीचर सजीव है, द हाउस निर्जीव है, मतलब ये सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसीलिए कहता है कि सारे कॉमन नाउन को, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं सबको सबको किस में रखा जाता है, काउंटेबल में, क्योंकि जो जो रूल अप्लाई कर रहा है कॉमन नाउन, सेम सेम रूल अप्लाई कर रहा है कौन, काउंटेबल नाउन, दोनों सेम होता है, ठीक है। तीन बात याद रखना है कि सजीव भी हो सकता है काउंटेबल नाउन, निर्जीव भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, और जितने कॉमन नाउन है सबके सब किस में रखा जाता है, काउंटेबल में रखा जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनकाउंटेबल, जिस जिस नाम को हम नहीं गिन पाएंगे सबके सब अनकाउंटेबल में रखा जाता है। अब देखिएगा, काउंटेबल नाउन सजीव भी हो सकता था, निर्जीव हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल निर्जीव होगा, जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल सिंगुलर होता है। और जितने मटेरियल नाउन होते हैं ना,
और अवस्टेट नाउन सबको रखा जाता है अनकाउंटेबल में। बोलेंगे कैसे, हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, मटेरियल नाउन जन्म से निर्जीव होता है, उसी तरह अवस्टेट नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, उसी तरह अवस्टेट नाउन भी जन्म से निर्जीव होता है। इसका मतलब ये दिख रहे होंगे कि सिंगुलर भी है दोनों और दोनों निर्जीव भी है, इसीलिए लिखा गया है कि जितने भी मटेरियल नाउन और जितने भी अवस्टेट नाउन है सबको रखा जाता है किसमें, अनकाउंटेबल में रखा जाता है। तो जिस जिस वस्तु को आसानी से गिनते हैं उसको काउंटेबल, जिस वस्तु को हम आसानी से नहीं गिनते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, काउंटेबल सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, इसलिए सारे कॉमन नाउन को रखा गया है काउंटेबल में। जबकि अनकाउंटेबल केवल सिंगुलर होता है, केवल निर्जीव होता है, इसलिए जितने मटेरियल नाउन आवश्यक नाउन है सबको रखा गया है किसमें, अनकाउंटेबल में रखा गया। बस यही याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पे लिखा है कि नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन को दो भाग में बांटा है, कौन कौन भाग में, एक बांट दिया है सिंगल नाउन में और दूसरा बांट दिया है कंपाउंड नाउन में। बोला कि अगर आपको कहीं नाउन अगर दिख गया, अगर एक शब्द से मिलकर बना रहेगा उसको बोलेंगे सिंगल नाउन, अगर एक से अधिक शब्द से मिलकर बना रहेगा वो नाम तो बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे अगर बोलते हैं क्लास, सिंगल नाउन, लेकिन बोल दें क्लास टीचर तो हो जाएगा कंपाउंड नाउन। अगर हम बोले गर्ल तो हो जाएगा सिंगल नाउन, अगर बोले गर्ल हॉस्टल तो हो जाएगा कंपाउंड नाउन, अगर हम बोले, अगर बोले फादर तो हो जाएगा सिंगल नाउन, अगर बोले फादर इन लॉ तो हो जाएगा कंपाउंड नाउन, अगर बोले स्पून बोले सिंगल नाउन, स्पून फुल बोले कंपाउंड नाउन। उसी तरह जब एक शब्द से मिलकर बना रहेगा उसको बोलते हैं सिंगल नाउन, अगर एक से अधिक शब्द से मिलकर बना रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट में कह रहा है सिंगल नाउन कि जिसके निर्माण में एक शब्द का योगदान होगा, जिसके निर्माण में एक शब्द का सपोर्ट होगा, शब्द सब सिंगल नाउन का लगेगा। जैसे देखिए फादर में एक शब्द, चेयर में एक शब्द, क्लास में एक शब्द और बुक में भी एक शब्द। नेक्स्ट में देखिएगा कंपाउंड नाउन में जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों का योगदान हो, जिस शब्द का नाउन बनने में, तो कंपाउंड नाउन। जैसे फादर इन लॉ देखिए एक दो तीन शब्द, क्लासरूम देखिए दो शब्द, क्लास एक रूम है, उसी तरह नोटबुक देखिए एक नोट है एक बुक है। अब थोड़ा सोचिए, फादर के मतलब केवल पिता होता है लेकिन फादर इन लॉ मतलब ससुर होता है, तो मीनिंग चेंज होता है कि नहीं हो जाता है। क्लास मतलब केवल वर्ग होता है और क्लासरूम मतलब क्या होता है, मतलब वैसे वर्ग जिसमें स्टूडेंट लोग बैठे जाते हैं। उसी तरह नोटबुक मतलब लिखना होता है, नोटबुक मतलब वैसे जिसमें हम नोट करते हैं। उस तरह कप फुल का मीनिंग कप मतलब कप होता है, फुल का मतलब भारी कप होता है। कमांडर मतलब होता है केवल कमांडर अधिकारी होता है, लेकिन कमांडर इन चीफ का मतलब होता है मुख्य अधिकारी होता है, सेनापति जिसको बोलते हैं। गर्ल मीन्स केवल गर्ल होता है, लेकिन गर्ल स्टूडेंट्स मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स जो है ना उसमें सबके सब केवल लड़की है। तो अंतर हो जाता है कि नहीं हो जाता डिफरेंस। अगर एक सबसे मिलकर बना रहेगा बोलेंगे सिंगल नाउन, एक से अधिक सबसे मिलकर बना रहेगा उसको बोलेंगे क्या, कंपाउंड नाउन। ये बात याद रखना है, इसमें तो कुछ बात ही ज्यादा नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, कहता है कि नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर फाउंड इनटू फोर फॉर्म्स। मतलब जेंडर के आधार पर क्या किया है, नाउन को कितने भाग में बांट दिया है, चार भाग में बांट दिया है। बोला कि बताओ जी जेंडर के आधार पर नाउन कितने भाग में बांटा है, तो बोलेंगे चार भाग में बांटा है। बोलेंगे कौन कौन सा है जी, तब बोलेंगे सबसे पहले कि मैस्कुलिन है, दूसरा फेमिनाइन है, दूसरा क्या ई को जगह आई कर देंगे, तीसरा क्या है जी बोलेंगे कॉमन, चौथा क्या है जी न्यूट्रल। ध्यान से सुनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा याद रखना है। जब भी आप मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात करते हैं इसका मतलब केवल इसमें पुरुष होना चाहिए, लेकिन पुरुष में केवल मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर आप फेमिनाइन जेंडर का बात करते हैं इसमें केवल फीमेल होना चाहिए, और फीमेल में केवल क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए। अगर आप कॉमन जेंडर के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बशर्ते नाम से पता नहीं चलेगा कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन सब के सब क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए। इसका मतलब है कि तीनों शब्द या तो मैस्कुलिन बोले, या तो फेमिनाइन बोले, या तो कॉमन बोले, यहाँ तक कॉमन तक, इसमें केवल केवल मानव होना चाहिए। मानव का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एनिमल्स नहीं होना चाहिए, इसमें तीनों में से किसी में बर्ड्स नहीं होना चाहिए, ये तीनों में से कोई निर्जीव पार्ट नहीं होना चाहिए, बुक नहीं होना चाहिए, हॉर्स नहीं होना चाहिए, बफेलो नहीं होना चाहिए, कैट नहीं होना चाहिए, मैट नहीं होना चाहिए, या किसी भी इंसेक्ट्स बर्ड्स एनिमल्स किसी का भी एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब केवल मानव होना चाहिए। जैसे में अगर हम बोलते हैं कि बताइए जी कि राम श्याम क्या है,
तो बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर है। तो बताइए कि सीता गीता क्या है जी, तो बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर है। हम बोलेंगे बताइए कि ब्रदर क्या है, तो बोलेंगे मैस्कुलिन। बोलेंगे सिस्टर क्या है, तो बोलेंगे फेमिनाइन। बोलेंगे बताइए कि किंग क्या है, तो बोलेंगे मैस्कुलिन। बोलेंगे क्वीन क्या है, तो बोलेंगे फेमिनाइन। बोलेंगे एक्टर क्या है, तो बोलेंगे मैस्कुलिन। बोलेंगे बताइए एक्ट्रेस क्या है, तो बोलेंगे फेमिनाइन। हम बोलेंगे बताइए जी अंकल क्या है, तो बोलेंगे मैस्कुलिन। बोलेंगे आंट क्या है जी, तो बोलेंगे फेमिनाइन। तो इसका मतलब है केवल के तब जितना नाम लिए हैं इसमें केवल मानव में पुरुष है, और जितना नाम लिए हैं इसमें केवल स्त्री में पुरुष है, लेकिन सब में स्त्री में मानव है। इसका मतलब सबके सब किसके बात किया है, मानव का बात किया है। और थर्ड वही देखिए, अगर आपको नाम से पता ना चले कि स्त्री है कि पुरुष है लेकिन मानव ही होना चाहिए, तो कौन सा जेंडर कहलाएगा, कॉमन जेंडर। जैसे देखिए, अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट तो बॉय भी आ जाता है गर्ल भी आ जाता है। अगर हम बोले डॉक्टर तो पुरुष भी आता है स्त्री भी आता है। अगर बोले मिनिस्टर तो उसमें स्त्री भी आता है पुरुष भी आता है। अगर बोलते हैं वोटर, सुनते होंगे कि मेरा अपना वोटर है, तो वोटर का मतलब केवल पुरुष वोटर होता है, नहीं दोनों होता है। मतलब नाम से पता ना चले कि वो पुरुष है कि स्त्री है तो किस में रखा जाता है, कॉमन जेंडर में रखा जाता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है, अगर मानव में केवल पुरुष होगा मैस्कुलिन, अगर मानव में केवल फीमेल होगा तो फेमिनाइन, अगर नाम से पता ना चले मानव में कि पुरुष है कि स्त्री है तो कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर होगा। यही बात याद रखना है। अब न्यूटन में ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन में देख लीजिए, जितना एनिमल्स जितना बर्ड्स जितना इंसेक्ट्स और जितना साइंस के अकॉर्डिंग जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, पेन बुक चेयर जितना भी आपको दिखता है सब के सब किस में रखा जाता है, न्यूटन में। अब एग्जाम अति वाला कुछ बुक वाला बहुत थोड़ा सा चलाकी दिखाता है, वो क्या करेगा, लिखेगा न्यूटर मैस्कुलिन में लिखेगा डॉग को और न्यूटर फेमिनाइन में लिखेगा बीच को, न्यूटर मैस्कुलिन में लिखेगा हॉर्स को और न्यूटर फेमिनाइन में लिखेगा मेयर को। लेकिन थोड़ा माइंड यूज कीजिए, उसमें कॉमन ले रहा है कि नहीं न्यूटर, इतना याद रखना है। जैसे ही न्यूटर शब्द आ गया इसका मतलब जितना एनिमल्स है बर्ड्स है इंसेक्ट्स है सबके सब कौन से डर रखा जाता है, न्यूटर में। इसीलिए आप पढ़ते होंगे जब प्रोनाउन पढ़ते होंगे तो बोलता है अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है, अगर मैस्कुलिन जेंडर अगर सिंगुलर होगा तो ही लगाइएगा, अगर आपको फेमिनाइन जेंडर अगर सिंगुलर होगा तो सी लगाइएगा, अगर आपको कॉमन जेंडर रहेगा तो उसमें से ही का महत्व दिया जाता है लेकिन मानव ही होना चाहिए। लेकिन अगर न्यूट्रल जेंडर आ गया तो इट लगता है। क्यों न्यूट्रल जेंडर बोल रहे हैं, द काउ के साथ बताइए सी लगाएंगे कि इट लगाएंगे, तो बोलेंगे इट। हम बोलते हैं द काउ हैज फोर फीट तो सी हैज फोर फीट या इट हैज फोर फीट, तो बोलेंगे नहीं इट हैज फोर फीट, इसका मतलब निर्जीव में आ रहा है ना। अगर हम बोलते हैं कि द कैट इज ब्लैक तो इट इज ब्लैक बोलेंगे, सी इज ब्लैक बोलेंगे, तो बोलेंगे इट इज ब्लैक, इसका मतलब सब किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो जितना एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स आपको दिखता है सब किस में आता है, तो न्यूट्रल जेंडर में आता है। इतना बात याद रखना है, इतना तो ज्यादा हम बात बोले नहीं है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात याद नहीं रखते हैं ना तो आपको प्रोनाउन में दिक्कत होगा, मैस्कुलिन बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फेमिनाइन बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कहता है कि वैसे नाम जो केवल क्या हो पुरुष हो, केवल पुरुष जाति का केवल नर जाति का बोध करवाता है तो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे अगर फादर बोले मैस्कुलिन, ब्रदर बोले मैस्कुलिन, अंकल बोले मैस्कुलिन, राम श्याम बोले मैस्कुलिन, एक्टर बोले मैस्कुलिन, किंग बोले तो मैस्कुलिन, इसी के लेकिन सब के सब क्या था, मानव था। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि केवल इसमें फीमेल जाति होना चाहिए, मतलब इसमें केवल स्त्री होना चाहिए। जैसे में अगर मदर बोले फेमिनाइन जेंडर, सिस्टर बोले फेमिनाइन जेंडर, आंट बोले फेमिनाइन, सीता गीता एक्ट्रेस क्यून जितना भी पाठ है सब किसका पाठ है, इसका पाठ है फेमिनाइन जेंडर का पाठ है। लेकिन देख रहे होंगे आप कि जितना पाठ है सब के सब मानव है, मानव है मानव है, लेकिन मानव में स्त्री है, इसके पहले मानव में पुरुष था लेकिन इसमें क्या है, मानव में स्त्री है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर अब इट्स नेम, कि वो पुरुष है या स्त्री है बल्कि उसके नाम से स्पष्ट ना हो। अगर वो नाम से स्पष्ट नहीं रहेगा तो रखा जाएगा किसमें, कॉमन जेंडर में। जैसे देखिए टीचर, मैन टीचर भी होता है वुमेन टीचर भी होता है, लेकिन खाली बोलेंगे टीचर तो पता नहीं चलेगा। हम बोलते हैं कि स्टूडेंट में बॉय भी होता है गर्ल भी होता है, लेकिन केवल स्टूडेंट बोलेंगे पता नहीं चलेगा। हम बोलेंगे कि मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना केवल बॉय है या केवल गर्ल है, इसका मतलब दोनों कंबाइंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का रेशियो डिफरेंट हो सकता है।
या सेम भी हो सकता है। उसी तरह डॉक्टर बोलते हैं तो मैन भी होता है, वोमैन डॉक्टर भी होता है। मिनिस्टर बोलते हैं तो उसी तरह मेल फीमेल दोनों अलग अलग आता है। उसी तरह अगर वोटर बोले तो सेम सेम आता है। मतलब अगर आपको नाम से पता ना चले कि पुरुष है कि स्त्री है तो हमेशा किसमें रखा जाता है, तो कॉमन जेंडर में रखा जाता है। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, न्यूरो जेंडर देखिएगा। कहता है ए नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और मेंटली इज कॉल्ड न्यूरो जेंडर। वैसा नाउन जिसका मेंटली अनडेवलप्ड हो, मतलब उसके पास दिमाग ही नहीं हो, मतलब मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से क्या हो, अविकसित हो। जब भी मानसिक रूप से अविकसित रहेगा हमेशा किस में रखा जाएगा, न्यूरो जेंडर में रखा जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, आप सुने होंगे चाइल्ड, बताइए बच्चा को क्या रखा गया है, न्यूरो जेंडर में रखा गया है। इसलिए बोलता है द चाइल्ड इज हंगरी, तो बोलता है कि इट नीड्स सम मिल्क, लिखता है उसमें इट, लिखता है इट किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए आया है। द पेन के लिए इट आता है, डॉग के लिए इट आता है, हॉर्स के लिए इट आता है। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल जेंडर जितना भी है अगर प्रोनाउन फॉर्म देते हैं तो सब के सब कौन सा आता है, क्या पार्ट आता है, इट आता है। इसका मतलब जितना भी जानवर है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, और अगर ऐसा ही साइंस के थ्रू से अगर नॉन लिविंग है, साइंस के अकॉर्डिंग बेसिस पे अगर नॉन लिविंग है तो भी आता है न्यूटर में। पेन बुक चेयर ये सब हाउस विलेज जो भी है किसमें आता है, न्यूटर में। लेकिन थोड़ा सा बुक अपना होशियारी दिखाता है, क्या लिखता है कि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत जो है वो सजीव को दो भाग में बांटा है। मतलब साइंस के थ्रू सजीव मानता है उसको, लेकिन इंग्लिश के थ्रू हम बताते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये कभी सजीव नहीं होता। ये बात स्टार्टिंग वाला पॉइंट में बताए थे कि इंग्लिश में केवल सजीव होता है मानव, बाकी सब के सब निर्जीव होता है। क्योंकि आप एनिमल्स बोलेंगे वो भी इट लेगा, कोई बर्ड्स का नाम लेंगे वो भी इट लेगा, अगर फाइन बोलेंगे तो भी इट लेगा। इसलिए न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, ये बात हमेशा याद रखना है। तब क्या करता है, न्यूट्रल मैस्कुलिन में लिखेगा डॉग और न्यूट्रल फेमिनाइन में लिखेगा बीच लिख देगा। उसी तरह लिख देता है यहाँ पे न्यूट्रल मैस्कुलिन में लिखेगा ऑक्स और फेमिनाइन में लिख देगा काउ, न्यूट्रल मैस्कुलिन में लिखेगा हॉर्स और फेमिनाइन में लिख देगा मेयर, न्यूट्रल मैस्कुलिन में लिखेगा एनीथिंग एल्स उसके बाद फेमिनाइन में ऐसे लिख देगा। लेकिन थोड़ा लगाइए कि न्यूटर न्यूटर कॉमन लगा रहा है कि नहीं, तो जैसे ही न्यूटर आ रहा है इसका मतलब बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, या कोई नॉन लिविंग थिंग साइंस के थ्रू क्यों ना हो, हमेशा निर्जीव माना जाता है ये सब चीज को। और निर्जीव जो होता है अगर सिंगलर होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। इसलिए कहता है कि न्यूट्रल जेंडर इफ इज इट न्यूट्रल जेंडर ऑलवेज टेक प्रोनाउन इट फॉर्म, अगर वो हमेशा अगर न्यूट्रल जेंडर के फॉर्म में होगा तो अगर सिंगलर होगा तो हमेशा इट फॉर्म लेगा। ये बात हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है हमेशा। अब आगे देखिएगा, आगे पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है जी, बता दिए हैं कि केवल पुरुष होगा मानव में मैस्कुलिन, केवल स्त्री होगा मानव में फेमिनाइन। अगर पता ना चलेगा कि मेल है कि फीमेल है तो कॉमन, और जितना बाकी सब बच गया है वो सब के सब रखा जाता है न्यूट्रल में रखा जाता है। इसीलिए तो लिखे हैं मेंटली अनडेवलप्ड, मतलब उसके पास माइंड ही ना हो। और जितना एनिमल्स है किसी के पास माइंड नहीं होता है, अगर वो माइंड होता ना तो आप जानवर को अगर कुछ बोलते तो कुछ समझता हो, क्योंकि जब वो कटने का टाइम आता है तो आप देखते होंगे कि एनिमल्स जो है अगर छोड़ भी दीजिएगा तो ज़्यादा दूर भागेगा नहीं, वो तो कुछ ही पल भाग सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग को अगर छोड़ देते हैं तो कितना दूर भागेगा ये तो डिसाइड नहीं कर पा सकते हैं। इसका मतलब है कि एनिमल्स मेंटली अनडेवलप्ड होता है जितना भी एनिमल्स में आता है, और बाकी तो निर्जीव को तो मेंटली भी अनडेवलप्ड, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होता है, तो हमेशा न्यूट्रल में रखा जाता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब शुरू से देखिए, कहता है कि नाउन को कास्ट के आधार पर बांट दिया है, कितना भाग में, पांच भाग में बांटा था, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। फिर बताए थे कि काउंटेबिलिटी के आधार पर, काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा था, तो बोले काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को दो भाग में बांटा था, एक बांटा था काउंटेबल नाउन, दूसरा बांटा था अनकाउंटेबल नाउन। फिर आपको देखे थे उसमें लिखा हुआ था कि बताइए जी स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा, तो बोलेंगे दो भाग में, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। जेंडर के आधार पर कितने भाग में बांटा, तो बोलेंगे दो, चार भाग में, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। फिर आगे क्या किया है, वो नंबर के आधार पर नाउन को बांट दिया है, किसके आधार पर बांट दिया है नाउन को, नंबर के आधार पर बांटा है, नंबर देख लीजिए, ये नंबर हुआ। कह रहा है कि नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नाउन को बांटा गया है किसके आधार पर, नंबर के आधार पर, फाउंड इनटू टू फॉर्म, जो दो फॉर्म में होते हैं, दो रूप में होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। अब देखिएगा, जो आपको दिखने में एक लगेगा उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, जो आपको दिखने में एक से अधिक लगेगा उसको बोलते हैं प्लुरल नंबर या प्लुरल नाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम बॉय बोलेंगे तो एक के को दिख रहा है तो सिंगुलर नाउन हो गया,
अगर बॉयज बोलेंगे तो एक से अधिक दिख रहा है तब प्लुरल नाउन हो गया। अगर हम बोलेंगे गर्ल क्या है जी, तब बोलेंगे सिंगुलर। अगर बोलेंगे गर्ल्स क्या है जी, तो प्लुरल। हम बोलेंगे ठीक है पीपुल क्या है जी, तब बोलेंगे प्लुरल नाउन है। हम बोलेंगे बताइए जी फर्नीचर क्या है जी, तब बोलेंगे सिंगुलर नाउन है। हम बोलेंगे बताइए, अच्छा बहुत सारा नाम लेते हैं बताइएगा क्या है, न्यूज हो गया, एडवाइस हो गया, मिसिफ हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब कौन सा नाउन में आएगा, तब बोलेंगे सिंगल नाउन। इसका मतलब सिंगलर नाउन मतलब जो पढ़ा रहे थे ना कलेक्टिव नाउन में, सबके सब कौन सा नाउन आ रहा था पहला वाला पार्ट जनरलाइजिंग में, सब सिंगलर नाउन में आ रहा था। और जो दूसरा पार्ट पढ़ा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, वो सबके सब प्लुरल नाउन में आ रहा था। तो ये बात याद रखना है, मतलब संख्या के आधार पर भी नाउन को दो भाग में बांटा कि कौन कौन जो है दिखने में एक लग रहा है और कौन कौन दिखने में एक से अधिक लग रहा है। जब दिखने में एक से एक लगेगा तो सिंगलर नाउन कहलाएगा, और जब दिखने में एक से अधिक लगेगा प्लुरल नाउन कहलाएगा। जैसे मैं देखिए एग्जाम्पल में, अगर बॉय बोलेंगे तो एक दिख रहा है, गर्ल बोले तो एक दिख रहा है, डे बोलेंगे तो एक ही दिख रहा है, सबके सब सिंगलर नाउन कहलाता है। अब नेक्स्ट में देखिएगा, वैसे नाउन जिसको अलग एक से अधिक दिखने में एक से अधिक लगेगा प्लुरल नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए बॉयज एक से अधिक दिख रहा है, गर्ल्स एक से अधिक दिख रहा है, डेज एक से अधिक दिख रहा है, और बहुत सारा पार्ट बताएंगे कौन सा सिंगलर है कौन सा प्लुरल है, आगे पार्ट बताएंगे। बस इतना याद रखना है इसमें कि अगर एक दिखेगा तो सिंगलर नंबर, एक से अधिक दिखेगा तो प्लुरल नंबर रहेगा संख्या में। फिर आपको देखिए बताएंगे, स्टार्टिंग से बताएंगे इसमें कि कौन पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है पूरा बताएंगे आपको, डिटेल से बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में देंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितना ये सब दिया हुआ है, जितना आप देख रहे हैं सिंगुलर से प्लुरल, इसमें 20 रूल डाले हैं। कितना रूल डाले हैं, 20 रूल डाले हैं, और 20 रूल जो है सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो आपको 20 रूल है ना, ये पूरा सिंगुलर से, नेक्स्ट पार्ट जो भी बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो भी बनाएंगे सिंगुलर से प्लुरल, वो आपको पूरा कवर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट पार्ट जो भी बताएंगे सिंगुलर से प्लुरल ना, उसमें पूरा कवर, नोटबुक क्या है जी, फादर इन लॉ प्लुरल क्या बनता है सबका, ये सब सब बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पूरा बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट जितना सिंगुलर से प्लुरल रहेगा सब बताएंगे, उसके बाद फिर मेन पार्ट में आएंगे नाउन का। ये सब देखिए बहुत सारा बुक में कन्फ्यूजन करता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्रिटेरियन क्या है, फेनोमेनन क्या है, फॉर्मूला क्या है, अलजेब्रा क्या है, मिनिमम क्या है, नेक्स्ट में देखिए बहुत सारा पार्ट आता है कि सिलेबस क्या है, मीडियम क्या है, मैक्सिमम क्या है, पेंडुलम क्या है, एनालिसिस क्या है, बहुत सारा पार्ट आता है, बेसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है, क्राइसिस क्या है, तो सब बताएंगे आपको। कंपाउंड नाउन का भी बहुत सारा पार्ट आता है कि अगर बोले मैन सर्वेंट, वो मैन सर्वेंट बोलेंगे तो क्या होगा, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इसका प्लुरल क्या बनेगा, मैन मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ऑप्शन का प्लुरल क्या बनेगा, तो सब जितना पार्ट है आपको सिंगुलर से प्लुरल बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो भी बनाएंगे केवल उसमें सिंगुलर से प्लुरल बताएंगे, बाकी कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट बताएंगे तो फिर जो नाउन का मेन मेन पार्ट होता है कि पुलिस अपने आप में क्या कहलाता है जी, इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या कहलाता है जी, न्यूज क्या कहलाता है, ब्रदर का मीनिंग कितने सा हो फॉर्म में होता है, तो सब डिटेल से बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर से बताएंगे आपको।